हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल हम लोग लेंथ मेथड के बारे में देखेंगे। वैसे तो लेंथ मेथड हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं टॉपिक के तौर पर। ठीक है, ये लेंथ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिर से देख लेते हैं। पब्लिक इंट लेंथ, ये इसका रिटर्न टाइप क्या है? इसका रिटर्न टाइप है इंट, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ भी से आप मेथड को कॉल कीजिएगा। इट रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये इनको काउंट करता है और वो रिटर्न करता है एज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस टी 2100 से आपने लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन एस टी डॉट लेंथ आपने लिखा, तो ये काउंट करेगा कि इस स्ट्रिंग लिटरल में कितने करेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपको 10 आउटपुट पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, ये हमने एक नोट लिखा हुआ है कि लेंथ वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर एरे। हम लोगों ने एक लेंथ वेरिएबल भी देखा था जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तब। सो लेंथ वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर एरे बट नॉट फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ आप लेंथ वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, आपको लेंथ मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, वेर इज लेंथ मेथड एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बट नॉट फॉर एरे। एरे में आप लेंथ मेथड का यूज़ नहीं कर सकते और स्ट्रिंग में आप लेंथ वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, सो नेम इक्वल मैंने 2100 लिखा हुआ है, नेम डॉट लेंथ लिखा हुआ है। तो जब भी आप रन करेंगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर इन सभी को गिना जाएगा, इन सभी कैरेक्टर्स को, और वही आपको दिखाया जाएगा 10। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।